दृष्टि पीसीएस के पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली तायडे और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अमेजन नदी की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन नदी के जलस्तर में काफी कमी देखी जा रही है, जिसे एक सदी से अधिक समय में सबसे निचले स्तर पर रिकॉर्ड किया गया है। तो चलिए जानते हैं अमेजन नदी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जबकि पानी की मात्रा और चौड़ाई के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी यात्रा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से शुरू होती है और हजारों मील के वर्षा वनों और निचले इलाकों से होकर पूर्व की ओर बहती है। अंत में ये ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। आपको बता दें, इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। इसकी शुष्क मौसम के दौरान चौड़ाई कुछ स्थानों पर 4 से 5 किलोमीटर तक हो जाती है और वर्षा के मौसम में 50 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। चलिए अब नजर डालते हैं इस नदी की विशेषताओं पर। तो यह दुनिया की सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन धारा है। ये नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल प्रवाह क्षेत्र रखती है। इसका जल क्षेत्र ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलीविया आदि देशों तक फैला है। इस नदी के मुख्य भाग का लगभग 2/3 हिस्सा और इसके बेसिन का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील के पास है। आंकड़ों के मुताबिक अमेजन अटलांटिक महासागर में प्रति सेकंड 3,00,000 घन मीटर की दर से पानी छोड़ती है, जो कि वैश्विक स्तर पर महासागरों में प्रवेश करने वाले मीठे पानी की कुल मात्रा का 5वां हिस्सा है। इसकी लगभग 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं। प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है रियो निग्रो, मदिरा और जिंगो नदी सहित अन्य नदियां। अमेजन बेसिन में वर्षावन सहित कई जनजातियों का निवास स्थान है। अब आखिर में बात अमेजन वर्षावनों की। अमेजन वर्षावन की बात करें तो ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जो जैव विविधता का भंडार भी है। ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन में मौजूद है। यह मौसमी रूप से या पूरे वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तापमान समान रूप से उच्च होता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इस तरह के वन सामान्यतः एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको तथा कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। ब्राजील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा पाया जाता है। ये उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजील के केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। यह ग्रह के ऑक्सीजन और कार्बन चक्र को विनियमित करने में अहम भूमिका निभाता है। आपको बता दें, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। चलिए, वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अमेजन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, पानी की मात्रा और चौड़ाई के अनुसार ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कथन दो है, ये पेरू के तट से दूर प्रशांत महासागर में गिरती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।